भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में झेलम नदी पर खारोत पनबिजली परियोजना को चीन तय समय से पहले पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान में बिजली संकट को कम करने के लिए इस परियोजना पर काम चल रहा है, जिसकी लागत $2 अरब है। इसे 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर आधार पर बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मालिकाना हक पाकिस्तान सरकार को मिल जाएगा। कारोत बिजली स्टेशन की क्षमता 720 मेगावाट है। कारोत पनबिजली परियोजना के अलावा पाकिस्तान के लिए चीन हाइड्रो विंड सोलर पावर पर आधारित कई और परियोजनाएं भी शुरू करेगा। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अखबार के मुताबिक कारोत बिजली कंपनी लिमिटेड एक चीनी कंपनी की सहायक कंपनी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि परियोजना से पाकिस्तान की बिजली की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। हालांकि खबर में परियोजना के पूरा होने की नई समय सीमा का जिक्र नहीं है। भारत ने इस परियोजना को लेकर बार बार चिंता जाहिर की है, क्योंकि ये परियोजना विवादित कश्मीर में स्थित है। हालांकि चीन इस मामले में यही कहता आ रहा है कि ये परियोजना किसी भी विवाद को हवा नहीं देगा। हालांकि भारत इस मामले में चीन और पाकिस्तान को कई बार आगाह कर चुका है कि कश्मीर से जुड़ी परियोजनाओं में टांग ना फंसाए, लेकिन चीन ने ब्रिक्स सम्मेलन में कश्मीर के किसी भी विवाद में नहीं पड़ने की बात कहकर बात से मुकरते हुए कारोत पनबिजली परियोजना को शुरू करने की योजना बना ली है। टीम इंडिलिंक्स।